हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग एक 3D का डायग्राम बनाएंगे। 3D का डायग्राम हमारे पास वर्ड JPG फाइल में है, उसको कैसे ऑटोकैड पे इंपोर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद किस तरीके से ड्राइंग को बनाना है ये देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप एक्स रेफ कमांड यूज़ करिए। एक्स रेफ, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई फाइल आपके पास है तो उसको इंपोर्ट करके किस तरीके से उसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक कर एक्स रेफ मैंने डाला, XREF, एक्स रेफरेंस ही बोलते हैं उसको। यहाँ पे अटैच JPG, सो जस्ट क्लिक अटैच JPG एंड आई थिंक जस्ट आई वॉज डाउनलोडेड ऑन डेस्कटॉप। वेयर इज माई डायग्राम? ओके, दिस इज द माई डायग्राम। ओके, एंड जस्ट ओपन दिस। ओके, व्हेन यू क्लिक हियर इज ड्रॉ लाइक दिस, राइट? नाउ अब अगर आप इसको देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो इसको अगर हम रोटेट कर लें तो हमारे लिए बेटर होगा ना, थोड़ा सा क्लियर समझ नहीं आ रहा है। तो रोटेट करने के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको, और यहाँ पे रोटेट कमांड होती है, ये रोटेट कमांड यहाँ है, और ऑर्थोगोनल की इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। और इधर डायग्राम देखते रहिए और इधर ड्रॉ करते रहिए। ओके, अगर आपको लाइक इसमें दिक्कत हो रही है तो टाइल वर्टिकली कर देंगे तो आपके पास टू डायग्राम्स हो जाएंगे, मतलब कि एक फेस इधर हो जाएगा और एक फेस इधर। लेकिन अच्छा होगा कि आप एक ही डायग्राम यूज करें तो आपके लिए जल्दी जल्दी से आप कर पाएंगे और आप जल्दी जल्दी से उस पर काम कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग सबसे पहले देखना चाहिए कि इसका कौन सा व्यू बेस्ट है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसका टॉप से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस ड्राइंग का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएगा। देखिए इसका ये कितना है, 165, और ये कितना है 100+30, मतलब 130। तो हमने एक लाइन लिया और हमने दिया इसको पहले तो 65, एंड देन दिस साइड 130, अगेन 65, एंड जस्ट ट्राई टू गेट दिस डन। अब देखिए ये हमारा बहुत बड़ा होगा और ये डायग्राम बहुत छोटा है, तो इसको आप स्केल कर सकते हैं। कैसे स्केल करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्केल कमांड होती है, सो दैट कि आपको डायमेंशन प्रॉपर दिखता रहे। और इसको रोटेट कर, थोड़ा सा मूव कर दीजिए, अब आपको डायग्राम भी दिख रहा हो और ये भी बन रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, देखिए पीछे की ओर कितना आया हुआ है, 30 आया हुआ है, राइट? तो आप इस लाइन को क्या करिए, 30 और पीछे की ओर लेते आइए। कैसे, ऑफसेट आपने पढ़ा है, ऑफसेट करके इसको 30 पीछे की ओर कर दीजिए। और इसके बाद इसको अगर हम इधर से देखें तो इधर से कितना गया हुआ, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे 15 गया हुआ, कितना गया हुआ है 15, तो 15 हमने यहाँ से ले लिया। ये 15 सिर्फ इतने के लिए है, इधर कितना गया हुआ, ये देखिए 35 गया हुआ, कितना गया हुआ है 35। तो आप एक बार इसको 35 लेते जाइए, 35 पे आ गए। और 35 पे आने के बाद अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ से कितना आया हुआ पीछे की ओर, 20 पीछे की ओर आया हुआ, राइट? तो आप यहाँ से 20 पीछे की ओर, और इधर से कितना गया हुआ है 25, मतलब ये वाली लाइन जो है इसको 25 आगे लेके फिर 20 पीछे की ओर कर दे तो काम हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे, यहाँ से गए, थोड़ा सा समझिएगा, पहले तो हम 25 आगे की ओर आएंगे, और ये जो 25 आगे की ओर आए इसी को 20 पीछे की ओर भेज देंगे इस तरीके से। और फिर ट्रिम कमांड लेंगे, देखिए आपको कैसे समझ आएगा, यहाँ से आपको समझ आने लगे। ये देखिए हमने इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें ये केवल बॉक्स चाहिए, मतलब पीछे का नहीं चाहिए इसमें, और हमें ये भी नहीं चाहिए। ओके, ये भी नहीं चाहिए, और ये चाहिए क्या, नहीं ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और बस ये भी हमको नहीं चाहिए, और ये इसको डिलीट करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा डायग्राम का टॉप व्यू बन गया ना टॉप व्यू। देखिए इस तरीके की हमारी ड्राइंग है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हमने एक एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दिया, कौन सी, ये देखिए 25 वाली लाइन हमने डिलीट कर, नहीं नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको इस पर एक देखिए, यहाँ पे तो आपके पास एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे कितने बाय कितने का है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके देखिए कितना बाय कितने का हुआ है,
ये 20/30 का हुआ है, मतलब 30/20 का, और ये आपका कितना है 25, ये 45 है, मतलब कि 25 एक और आगे लग जाए तो हमारा ये पूरा पीछे की ओर का रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लीजिए और यहाँ पे 30 टैब 25 ये लेके इंटर कर दीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे मूव कर दीजिए। आप देखिए आपका टोटल 45 हो गया और इधर से टोटल 30 हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल इसके ऊपर खींच दीजिए, मैं बताऊंगा अभी क्यों, रीजन अभी 3D हम लोग चलेंगे तो रीजन बताएंगे। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके आइसोमेट्रिक में जाइए, और सबसे पहले तो पीछे का पार्ट आपका कितना हाइट हुआ है, 80 हाइट हुआ है, 80 उसकी हाइट है। तो आपको प्रेसफुल कमांड आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो पुराने वीडियोस आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रेसफुल कमांड होती है। प्रेसफुल कमांड लेके यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करके इसको 80 ऊपर की ओर मूव कर दीजिए। ओके इसके बाद इसको अभी मेरे यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए ये भी 80 ऊपर से -35, 80 -35 कितना हुआ 45, तो इसको भी 45 की हाइट दे दीजिए। ओके इसके बाद सेलेक्ट करिए इसको और सेलेक्ट करके इसको मूव कर दीजिए ऊपर की ओर, इसको नाम है 3D मूव, 3D मूव कर दीजिए किधर, ऊपर की ओर कितना 45 इस तरीके से। मूव इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लॉफ्ट कमांड यूज़ करना है, अगर प्रेसफुल कर लेंगे तो हमें से याद रखिएगा प्रेसफुल कमांड यूज़ करने के बाद लॉफ्ट कमांड हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद इसको सेलेक्ट करिए और इसको मूव करिए ऊपर की ओर, 3D मूव ले लीजिए तो उसे इधर उधर नहीं होगा। ध्यान रखिए जब आप 3D चलाते हैं तो थोड़ा सा लैपटॉप हैंग करता है, तो धीरे धीरे आपका काम होगा। इसके बाद 3D मूव, और 3D मूव लेने के बाद यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, कितना 20 ऊपर की ओर हाइट है इसकी, आप डायग्राम में देख लीजिएगा 20 ऊपर की ओर हाइट है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमको लॉफ्ट करना है, तो लॉफ्ट कमांड यहाँ पे होती है, ये लीजिए लॉफ्ट कमांड, और लॉफ्ट कमांड लेने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन सेकेंड ऑब्जेक्ट और उसके बाद डबल इंटर, फिर ये अब देखेंगे आप तो ये आपको ऐसा दिख रहा है। जस्ट आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेसफुल कमांड लेना है, और प्रेसफुल कमांड लेके नीचे के ऑब्जेक्ट को मूव कर देना है ऊपर की ओर 20, ये देखिए आपका परफेक्ट बन गया ये ऑब्जेक्ट। ओके और इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब यूनियन कमांड आपको यहाँ पे पता होना चाहिए यूनियन है, यूनियन लेके इसको सेलेक्ट कर लिया सबको और सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अभी इसको कोई पर्टिकुलर कलर देना है तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ और कलर, मैंने आपको मटेरियल भी बताया है, अगर आप मटेरियल लगाना चाहें तो इस पर मटेरियल वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा डायग्राम बन गया, बहुत ईजिली तरह से डायग्राम बन जाता है इसका। इस तरीके का आपको लाइक कोई भी 3D डायग्राम लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और आपको बनाना है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हमारी ईमेल आईडी नीचे कॉन्टेक्ट में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ईमेल आईडी पे भेज दीजिए डायग्राम, डेफिनेटली मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको डायग्राम भेज दूँगा। और भी कुछ अभी पेंडिंग्स हैं डायग्राम जो कि कई लोगों ने भेजा है, तो ये डायग्राम भी मुझे आया था इसलिए मैंने इसको बनाया, और जो डायग्राम आए हैं मैं उनको भी एक एक करके बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।